नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यहां पे दोस्तों उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी संविदा शिक्षक भर्ती जिला रायबरेली की तरफ से जो आपका कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर रायबरेली की भर्ती का जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट है और काउंसलिंग डेट वो कब तक आ जाएगी, तो लीजिए यहाँ पर फाइनली दोस्तों जारी कर दी गई है। बात करने वाले हैं कि कट ऑफ आपका किस सब्जेक्ट का कितना गया है, किस बहन को काउंसलिंग के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है और किस डेट में किस स्थान पे काउंसलिंग के लिए जाना है। तो चलिए दोस्तों आइए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना दोस्तों यहाँ का गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला रायबरेली की तरफ से आपका दिनांक 27/10/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यहाँ पे पत्रांक संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति, तो पहले यहाँ पे जनरल चीज़ें क्या है इस पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6/3/2021 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर शैक्षणिक कर्मियों के चयन हेतु तो आवेदित पदों पर दिनांक 6/11/2023 को मूल शैक्षणिक अभिलेखों के परीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदित चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक मूल अभिलेखों सहित दिनांक 6/11/2023 को प्रातः 11 बजे कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र पुलिस लाइन रायबरेली में उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों जो आप लोगों की काउंसलिंग है वो 6/11/2023 को यानी कि 6 नवंबर को होने वाली है। और किस जगह आपको पहुंचना एक बार एड्रेस आप और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सीधा मेंशन किया गया है कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र पुलिस लाइन रायबरेली में आपको सुबह 11 बजे तक हर हालत में पहुँच जाना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सीधा इन्होंने मेंशन किया है कि अनुपस्थित के संदर्भ में यह माना जाएगा कि आवेदनकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है और इसके आवेदन पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी की गुणांक सूची निम्नलिखित है, यानी कि अगर आप एब्सेंट होती हैं किसी भी कारणवश तो सीधा आपको यहां पे बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा कोई और मौका यहां पे आपको नहीं दिया जाएगा। आप देखिए नीचे चलते हैं, यहां पे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको दिखा देता हूं कि कट ऑफ कितना गया है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए जनरल का देखिए 71.81% गया है। ठीक है, जनरल का ओबीसी का 63.19% गया है। तो जिस बहन का 71.81% से लेकर ऊपर है वो इस काउंसलिंग में जाएंगी जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए बात करें तो 63.19% से लेकर जिसका ऊपर तक है वो इस पे जाएंगे। तो दोस्तों सोशल साइंस का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 82.86% ये जनरल का है। और उसके बाद देख पा रहे हैं एससी का कट ऑफ जो गया है वो 63.17% गया है। ठीक है, तो 68.70% गया है, ओबीसी का 66.43% गया है और यहाँ पे एससी का 60.95% गया है। ठीक है, ये मिनिमम है, इसके नीचे वाले नहीं जाएंगे, इसके ऊपर वाले ही जाएंगे। और जो ये जो कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए साइंस की बात करें तो जनरल का दोस्तों यहाँ पे 67.41% ये साइंस का है, ओबीसी का 64.36% ये आपको ओबीसी का है और एससी कैटेगरी का 56.63% एससी का है। ठीक है, अब देखिए होम साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जनरल का 66.87% और यहाँ पे एससी कैटेगरी का 61.41% और यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो देखिए 73.96% ये जनरल का और 66.72% यहाँ पे दोस्तों एससी कैटेगरी का। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रही, इतना हाई कट ऑफ कैसे है सभी का, या तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ गड़बड़ हो गई या इस पर क्या संशोधन इन्होंने किया, कुछ इन्होंने मेंशन भी नहीं किया, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई गया है। अभी तक जितने भी जिलों का कट ऑफ आया है इतना कट ऑफ कभी नहीं गया। अब किस हिसाब से ये कट ऑफ दोस्तों निकाला गया है ये कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहूँगा कि अगर जिला रायबरेली का कोई दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो उससे काउंसलिंग से पहले एक बार जाके कंफर्म कर लें कि इसका कट ऑफ बना कैसे, इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। 82% बताइए इसका कट ऑफ, 73. इसका चला गया, तो ये इतना हाई कट ऑफ अभी तक किसी भी ज़िले का नहीं आया। अब किस बेस पे हो सकता है इनका जो तरीका है कट ऑफ निकालने का कुछ इन्होंने चेंज किया हो या क्या कारण है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई गया है चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो। तो इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है और इस कट ऑफ के अंतर्गत जिस भी बहन का है
वो अपना फ़ोन ऑन रखें, ठीक है, ऑन रखें और डाक से भी थोड़ा पता करते रहें, हो सकता है आपको कॉल की जाए या तो डाक के माध्यम से लेटर भेजा जाए, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है उससे पहले जो आपने फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाए थे उसका सभी का ओरिजिनल, दो दो फोटोकॉपी और एक फ़ाइल रख लीजिएगा, वहाँ फाइल आपको डॉक्यूमेंट में रख के जमा करनी पड़ेगी, और फ़ोटो अपनी रख लीजिएगा दो तीन, ठीक है। और उसके बाद आपको पहुँच जाना है, आपका डेट है 6 नवंबर, तो इस डेट पर आपको रायबरेली पहुँचना है, और एक बार आप लोग कट ऑफ जरूर जो इस पर निकाली गई उसको ज़रूर कन्फर्म कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने ना तो वेबसाइट पर कुछ अपलोड किया है और ना ही इन्होंने कुछ इसमें मेंशन किया है, और किस हिसाब से इन्होंने कट ऑफ निकाला है ये वहीं वाले बता पाएंगे। तो अगर किसी को इससे रिलेटेड जानकारी हो पाती है या विभाग का कोई व्यक्ति देख रहा है तो एक बार ज़रूर बताएं कि इसका कट ऑफ किस हिसाब से निकाला गया है, क्या जो जिले वाइज जिस तरह से कट ऑफ निकलती क्या वही निकाली गई है, अगर वैसे ही निकाली गई तो इतना कट ऑफ हाई कैसे चला गया, ठीक है। तो चलिए, जो भी अपडेट है अगर आती है कुछ सूचना तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे, और किसी भाई बहन को अगर कोई सूचना मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं किसी और इसी तरह के नए वीडियो पे। अब जैसे ही अदर जिलों की किसी भी जिले का कट ऑफ या मेरिट लिस्ट जारी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको सूचित कर देंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।